नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से पॉइंट फाइव के जी बॉल इज थ्रोन अप विद एनिशियल स्पीड ऑफ फोर्टीन मीटर पर सेकेंड एंड रीच इज मैक्सिमम हाइट ऑफ एटी मीटर सवाल है हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड बाय एयर ड्रैग एक्टिंग ऑन द बॉल ड्यूरिंग द असेंट। ऑप्शन है नाइनटीन पॉइंट सिक्स जूल टेन जूल फोर पॉइंट नाइन या फिर नाइन पॉइंट एट ना चार ऑप्शन देखिए अपने को यहाँ पे लग रहा है हालांकि एक्सप्लेसिटली नहीं दिया हुआ है जी की वैल्यू हमें एट पॉइंट नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड्स स्क्वायर लेनी चाहिए बिकॉज फोर पॉइंट नाइन नाइन पॉइंट एट नाइनटीन पॉइंट सिक्स के ये ऑप्शन है सो दिस इज द वैल्यू ऑफ़ जी दैट वी विल टेक नाउ ये बात अपने को पता है वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लिखते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम लिख रहे हैं प्लस वर्क डन बाय आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय आपका सूडो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से हम लिखते हैं अपना वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हम यहाँ पे मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम लिख रहे हैं प्लस वर्क डन बाय आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय आपका सूडो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी लाइट इस केस में वर्क डन बाय बासटर्नल जीरो है वर्क डन बाय बाडो फोर्स जीरो है तो वर्क डन बाय आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आपका चेंज इन कान्टटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होएगा सो वर्क डन बाय आपके नॉन कंजर्वेटिव फोरसेज जो है एयर ड्रैग दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन कान्टटिक एनर्जी नाउ चेंज इन कैंटिक एनर्जी को हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी माइनस यू स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे एम जी एच जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जब बॉल आपकी नीचे से ऊपर ये यहाँ तक पहुँची है साइड पे 14 कितना दिया हुआ है एट मीटर सो एट मीटर की हाइट तक ये बॉल आपकी यहाँ तक पहुँची है और इनिशियल वेलोसिटी यू अपने को 14 दी हुई थी सो so, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू हाफ माँ से अपना पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव को वन बाई टू लिख लेते हैं और यह है आएगा वी स्क्वायर वी हो गया आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो है माइनस इनिशियल वेलोसिटी फोटीन का स्क्वायर प्लस एम एम आपका फिर हाफ हो गया मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू ले लेते हैं नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाइड एच हो गया आपका एट सो uh, so इसकी वैल्यू आ जाएगी ये बचेगा uh, नीचे वन बाय फोर और फोर्टीन स्क्वायर यानी कि इसको लिख सकते हैं टू अगर कैंसिल करें सो so इस सेवन इंटू यानी कि फोर्टी आ जाएगा माइनस uh, साइन के साथ प्लस ये बचेगा आपका 9.8 पॉइंट एट मल्टीप्लाइड बाई टू से इसे से कर, कर देंगे फोर सो so, इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू ऐसे लिख लेते हैं नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाइड बाई फोर ना इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी माइनस फोर्टी नाइन प्लस थर्टी नाइन पॉइंट टू यानी कि आपका वर्कडन जो है बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो बन गया इसमें से माइनस करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस नाइन पॉइंट एट जूल सो ये वर्क डन बाय आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज है सो so, इतनी एनर्जी आपकी डिसिपेट हो गई हैंस ऑप्शन नंबर फोर नाइन पॉइंट एट जूल वुड बी द राइट आंसर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया